नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज 9x.com। द न्यूज 9x.com में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जब पूरे भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार आई, तब से पूरे भारत में बीजेपी के कहे जाने वाले चाणक्य अमित शाह के चर्चे काफी हो रहे थे। अमित शाह को जब भारत के गृह मंत्री का पद मिला, तब कई लोगों ने यह आज जगी कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 साथ ही 35A भी समाप्त हो जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 और 35A को समाप्त करने की बात कही थी। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास की ओर। आज़ादी के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया था, तो कश्मीर का मामला UN में चला गया, जिसमें कई राजनीतिक पंडितों ने नेहरू की कूटनीति की विफलता को बताया था। साथ ही साथ कश्मीर के एक नेता का उदय हुआ, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के आने के बाद राजा हरि सिंह की पैठ समाप्त हो गई। चूंकि शेख अब्दुल्ला नेहरू के करीबी माने जाते थे, इस वजह से वहां शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन गए। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री माना जाता था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में दो ही पार्टियों का इतिहास है, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लगातार जम्मू कश्मीर में कोई अब्दुल्ला परिवार या कोई सईद परिवार की बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते थे। समय बदला, भारत के वजीर आजम बदले। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने दोबारा विशाल जनादेश दिया। साथ ही सभी की नज़रें शाह के परिसीमन पर है। परिसीमन क्या है, यह परिसीमन क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। परिसीमन का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम आपको बता देते हैं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर विधानसभा का पुनर्गठन करना है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन हुआ था। 24 साल बाद वहां विधानसभा सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि राज्य के संविधान के अनुसार 10 साल में निर्वाचन का परिसीमन किया जाना चाहिए। हालांकि 2005 में परिसीमन होना था, परंतु 2002 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 2026 तक रोक लगा दी थी। जब UPA की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने भी परिसीमन की बात को जरूरी नहीं समझा और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इस समय जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें हैं, 35 जम्मू, 46 कश्मीर और 4 लद्दाख में हैं। ऐसे तो 111 सीट हैं, लेकिन 24 सीटें POK के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 68% जम्मू कश्मीर में मुस्लिम है और 28% हिंदू आबादी है। अगर कोई यह कहता है कि परिसीमन करने से BJP को जीत मिलेगी, तो यह संभव हमें नहीं दिखता है। परिसीमन के प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, तो हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 9x सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारा Facebook पेज लाइक करें।